हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। और आज की इस वीडियो में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता क्या है। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसे हम लोग एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम भी कहते हैं, ये एक ऑटोमोबाइल सेफ्टी सिस्टम होता है जो कि ब्रेकिंग के टाइम पे व्हील को लॉक होने से बचाता है और इसके अलावा ये व्हीकल को स्किड करने से भी रोकता है। अब फ्रेंड्स, जो मॉडर्न एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें फायदा ये है कि जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं उस टाइम पर हम अपने व्हीकल को स्टीयर भी कर सकते हैं, यानी उसको राइट और लेफ्ट मोड़ भी सकते हैं, जिसके वजह से हम लोग को जब भी अचानक ब्रेक लगाना होता है उस समय पे हम लोग को ये व्हीकल को कंट्रोल करने में मदद करता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का एक फायदा तो ये है कि ये व्हीकल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और दूसरा ये कि जब जो सरफेस है वो ड्राई हो या स्लिपरी हो उस समय पे ये स्टॉपिंग डिस्टेंस को कम कर देता है, यानी कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जल्दी हमारा व्हीकल रुक जाता है। अगर व्हीकल में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं हो तो चाहे ड्राइवर कितना ही बड़ा प्रोफेशनल हो, वो जब सडनली अचानक से ब्रेक लगाता है उस टाइम पे व्हीकल को तो स्टीयर नहीं कर सकते आप, और दूसरा स्केटिंग का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है, व्हीकल स्केट करता है। लेकिन अगर व्हीकल में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हो तो एक नॉर्मल पर्सन भी जब ब्रेक लगाता है तो वो एक तो आसानी से अपने व्हीकल को कंट्रोल कर सकता है, और दूसरा व्हीकल में स्केटिंग नहीं होता, वो स्केट नहीं करता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के वर्किंग प्रिंसिपल को जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होता है स्पीड सेंसर्स। तो स्पीड सेंसर को यूज किया जाता है व्हीकल के व्हील के एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। अब जो स्पीड सेंसर होता है वो टूथ्ड व्हील, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल जिसे हम लोग मैग्नेट भी कहते हैं, और हॉल इफेक्ट सेंसर को कंसिस्ट करता है सिग्नल को जनरेट करने के लिए। अब फ्रेंड्स, जब व्हीकल के व्हील या फिर डिफरेंशियल का रोटेशन होता है तो सेंसर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्चुएशन के वजह से सेंसर में वोल्टेज जनरेट होता है। अब सेंसर में जो वोल्टेज जनरेट होता है तो सेंसर इस वोल्टेज को कंट्रोलर तक सेंड करता है। अब कंट्रोलर इस वोल्टेज को रीड करता है और उससे उसे मालूम चलता है कि जो व्हीकल के व्हील का एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है। नेक्स्ट कंपोनेंट है वाल्व्स। तो फ्रेंड्स, व्हीकल के ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक लाइंस का यूज किया जाता है। अब वैसे व्हीकल जिनमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का यूज किया जा रहा है वहां पे वाल्व का भी यूज किया जाता है। अब कुछ सिस्टम में ये जो वाल्व है वो तीन अलग अलग पोजीशन पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले है इन पोजीशन वन। तो पोजीशन वन में क्या होता है कि जो हमारा वाल्व है वो ओपन होता है, और उससे क्या होता है कि जो प्रेशर है मास्टर सिलेंडर से प्रेशर इन वाल्व के थ्रू होते हुए ब्रेक लाइन के थ्रू हुए होते हुए ब्रेक तक पहुंचता है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने व्हीकल के ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको मास्टर सिलेंडर का वर्किंग, ब्रेक किस तरह से काम करते हैं ये सब कुछ समझा रखा है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन अगला है इन पोजीशन टू। तो पोजीशन टू के टाइम में क्या होता है कि जो वॉल्व है वो बंद होता है, जिसकी वजह से ये जो ब्रेक लाइन्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब इस पोजीशन में ये होता है कि ब्रेक और मास्टर सिलेंडर इनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता, ये सेपरेट हो जाते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है, जो ब्रेक के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका राइज हो जाता है। ठीक है, अब जो वाल्व है वो इस सेकंड पोजीशन में तब काम करता है जब ड्राइवर ब्रेक को बहुत ही जोर से दबाता है, हार्डर अप्लाई करता है ब्रेक को। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन पोजीशन थ्री। अब इस पोजीशन में क्या होता है कि वॉल्व ना तो क्लोज होता है ना ही ओपन होता है, यानी एक तरह से ये सेमी ओपन होता है, और सेकंड पोजीशन में जो ब्रेक के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वो इस टाइम पे वॉल्व इस प्रेशर को धीरे धीरे करके रिलीज करता है। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है पंप। तो फ्रेंड्स, वॉल्व के जो थर्ड पोजीशन था उस टाइम पे वॉल्व ब्रेक से प्रेशर को रिलीज करता है, तो पंप को यूज किया जाता है इस प्रेशर को रिस्टोर करने के लिए। नेक्स्ट कंपोनेंट है कंट्रोलर। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में जो कंट्रोलर का यूज किया जाता है वो ECU टाइप होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट टाइप होता है। अब ये क्या करता है कि ये जो व्हीकल के चार व्हील है चारों में अलग अलग स्पीड सेंसर लगे होते हैं, तो ये इंडिविजुअली एक एक करके सारे से जो इंफॉर्मेशन लेता है कि व्हीकल कितने स्पीड पे चल रहा है, और उसके अलावा जब हमारा व्हीकल ग्राउंड के साथ अपना ग्रिप को छोड़ देता है उस समय पे इन कंट्रोलर के पास एक सिग्नल जाता है। जैसे ही सिग्नल इसे रिसीव होता है इस कंट्रोलर को, वो क्या करता है ब्रेक फोर्स को लिमिट कर देता है, कम कर देता है, और ABS मॉड्यूलेटर को एक्टिवेट कर देता है।
अब जो ABS मॉड्यूलेटर एक्टिवेट हुआ है वो क्या करता है, जो ब्रेकिंग वाल्व है उसको ऑन और ऑफ करता है, जिसके वजह से जो ब्रेक के अंदर का प्रेशर, ब्रेक पे जो प्रेशर लग रहा है वो वैरी हो जाता है। आइए अब ये जान लेते हैं कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो फ्रेंड्स, वैसे व्हीकल जिसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हो उसमें क्या होता है कि हर एक व्हील में स्पीड सेंसर्स लगे होते हैं। अब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जिसे हम लोग कंट्रोलर भी कहते हैं, वो क्या करता है कि इन स्पीड सेंसर से आने वाले सिग्नल को रीड करता है। अब स्पीड सेंसर्स के थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को सिग्नल मिला था, अगर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को ये मालूम चलता है उस सिग्नल के थ्रू कि जो व्हीकल के व्हील का स्पीड रैपिडली कम हो रहा है, उस समय पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है वो वाल्व को एक सिग्नल भेजता है, जिसके हेल्प से क्या होता है कि वाल्व क्लोज हो जाता है। अब इस वाल्व के क्लोज होने की वजह से जो ब्रेक पैड के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था वो कम हो जाता है। अब जैसे ही ब्रेक पैड के ऊपर प्रेशर कम होता है, उसके हेल्प से क्या होता है, जो व्हील का रैपिडली डिक्रीज हो रहा था स्पीड का, व्हील के स्पीड का जो रैपिडली डिक्रीज हो रहा था वो कम हो जाता है, जिसके वजह से जो व्हील का लॉकिंग होने वाला था वो रुक जाता है, व्हील लॉक नहीं होता है। अब फ्रेंड्स, क्योंकि व्हील लॉक नहीं हुआ है तो क्या होता है कि व्हील जो है हमारा वो फिर से एक्सलरेट होने लगता है, ठीक है। अब ये जो व्हील का एक्सलेशन हो रहा है, फिर वो स्पीड सेंसर के थ्रू ये सिग्नल हमारे कंट्रोलर तक पहुंचता है। अब इस टाइम पे कंट्रोलर क्या करता है कि वाल्व को क्लोज नहीं करता है, वाल्व को ओपन कर देता है। वाल्व को ओपन करने की वजह से क्या होता है कि ब्रेक पैड के ऊपर में जो प्रेशर पड़ रहा था वो इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे ही ब्रेक पैड के ऊपर में प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि ब्रेक अप्लाई होने लगता है फ्रेंड्स, ठीक से फिर से ये पहले टर्म में पहुंच जाता है। जैसे ही ब्रेक अप्लाई होने लगता है उससे क्या होता है, जो व्हील का स्पीड है वो रिड्यूस होने लगता है और ये कोशिश करता है कि व्हील को रोक दे, यानी कि व्हीकल को रोक दे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक बार तो कंट्रोलर क्या करता है कि व्हीकल के व्हील के स्पीड को बढ़ाता है, फिर व्हीकल के व्हील के स्पीड को घटाता है, तो फिर ब्रेक किस तरह से लगता है। तो आइए आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो ये जो कंट्रोलर के हेल्प से ब्रेक का अप्लाई हो रहा है और ब्रेक का रिलीज हो रहा है, वो प्रोसेस एक सेकंड में 15 बार होता है। ऐसा तब होता है जब भी ड्राइवर ब्रेक को हार्डली अप्लाई करता है। अब ये जो एक सेकंड में 15 बार ब्रेक का अप्लाई और ब्रेक का रिलीज हो रहा है, वो इसलिए होता है ताकि एक तो व्हीकल के जो व्हील है वो लॉक नहीं हो, और अगर व्हीकल का व्हील लॉक हो जाएगा उससे क्या होगा कि व्हीकल स्किड हो जाएगा। तो स्किडिंग को भी रोकने के लिए जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यूज होने वाला कंट्रोलर एक सेकंड में 15 बार ब्रेक को अप्लाई और रिलीज करता है ताकि व्हीकल लॉक नहीं हो। फ्रेंड, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का एक और फायदा ये है कि जब हम लोग अचानक से ब्रेक लगाते हैं उस समय पे क्या होता है कि हम व्हीकल को स्टीयर भी कर सकते हैं। अब व्हीकल को स्टीयर करने से फायदा ये होता है कि व्हीकल का कॉलिजन, चाहे वो सामने वाली व्हीकल से हो या किसी और चीज से हो, उससे भी बच जाता है। अब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज वो ये है कि एक तो ये व्हील को लॉक होने से बचाता है, और चूंकि ये व्हील को लॉक होने से बचाता है उसके वजह से जो हमारे व्हीकल है उसके स्किड होने का चांसेस वो भी एलिमिनेट हो जाता है। जो नेक्स्ट एडवांटेज वो ये है कि चूंकि जो व्हीकल के स्किडिंग का जो चांसेस है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है, जिसके वजह से वैसे व्हीकल जिनमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हो उनमें जो कंट्रोल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। देन जो अगला एडवांटेज वो ये है कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जिन व्हीकल में हो उनमें जो स्टीयरिंग कंट्रोल है वो वैसे व्हीकल जिनमें ABS नहीं हो उससे बहुत ही बेहतर होता है। देन जो आखिरी एडवांटेज है वो ये है कि जिन व्हीकल में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है तो जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है वो हेल्प करता है कि जो कॉलिजन, यानी कि जो टकराने का चांसेस है, उसे वो 30% तक कम कर देता है। अब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो कोई भी डिसएडवांटेज इस तरह के व्हीकल का नहीं है, क्योंकि ये तो फायदा ही है ना कि अगर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हो तो आप आसानी से व्हीकल को ब्रेक लगा सकते हो, जल्दी खड़ा कर सकते हो, उसके अलावा स्किडिंग नहीं होता। लेकिन एक जो डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है जो मैं आपको बताता हूँ कि वैसे व्हीकल जिनमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हो उनका कॉस्ट, जो कॉस्ट होता है वो वैसे व्हीकल जिनमें ABS नहीं हो उनके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बस यही एक डिसएडवांटेज होता है। आइए फ्रेंड्स, अब ये जान लेते हैं कि इंडिया में अवेलेबल वो कौन सी टॉप 10 चीपेस्ट कार्स है जो कि डुअल एयरबैग्स और उसके अलावा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ये दोनों की फैसिलिटीज देती है। तो पहले नंबर पे हमारे पास है मारुति इग्नाइस, इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो कार है वो है महिंद्रा की KUV100, नेक्स्ट कार है तीन नंबर पे है टाटा टियागो, देन जो अगली कार है वो है चार नंबर पे फोर्ड की फिगो,
नेक्स्ट कार है 6 नंबर पे, वो है मारुति बलेनो। देन जो अगली कार है वो है 6 नंबर पे टाटा की टैगोर। देन फ्रेंड जो सातवीं कार है इस लिस्ट में वो है मारुति की डिजायर। देन जो अगली कार है वो है टोयोटा की एटियोस लिवा। देन जो 9 नंबर पे कार है वो है निसान की माइक्रा एक्टिव। और वैसी कार जो कि डुअल एयरबैग और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का आती है वो है 10वें नंबर पर हमारे पास टाटा की नेक्सॉन। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह के टेक्निकल वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ। सो थैंक यू, गुड बाय।